सारी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी 100 रुपीज की थी। अच्छा, सारी 30 की है। सारे 100 रुपीज में बैंगल्स काफी अच्छे थे, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा 100 रुपीज में सेलिब्रिटी वाली इयररिंग्स मिल रहे हैं। इस बार बकरा ईद का कलेक्शन न्यू बहुत अच्छा आया है और ये सब ड्रेसेस मिल रही है 950, 800, 700, 600 इस रेंज में, और काफी अच्छा बहुत ही प्यारा कलेक्शन आया है इस बार मार्केट में। और जूती का कलेक्शन तो यार क्या ही कहना, 100 रुपए में 200 रुपए में अच्छे से मिल रही है। यहाँ पे सारी ये ज्वेलरी आपको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज में मिल जाएंगी। हेयर स्टाइल के लिए आपको सब कुछ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 100-200 में मिल जाएगा। ये सारी इयररिंग्स 100 के, इतना सस्ता ना मैंने आज तक कभी नहीं देखा। ये 180 का है, 350, ये मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रत्ना फैमिली व्लॉग्स। और मैं हूँ इकरा। सो कैसे हो आप सब? सो गाइस, मैं जा रही हूँ अभी ईद की शॉपिंग करने के लिए सिलमपुर मार्केट। सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ईद की शॉपिंग करने के लिए और देखने के लिए कि आज क्या न्यू कलेक्शन आने वाला है, मतलब इस बार बकरा ईद पर क्या कलेक्शन आने वाला है सिलमपुर मार्केट में। उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, कुछ अच्छा ही मिल जाए, कुछ अलग सा सोच रही हूँ मैं बनाने के लिए कि कुछ अच्छा मिल जाए और मुझे पसंद आ जाए। और अम्मी मैं जा रहे हैं शॉपिंग करने और देखते हैं क्या क्या मिलता है वहाँ पर, क्योंकि हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी है, मुझे इस बार बहुत सारे कपड़े खरीदने हैं। सो चलो ज्यादा बातें नहीं करते, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। चलो मार्केट में मिलते हैं, लव यू गाइस। मैंने मोजपुर की साइड देखा, यहाँ पे इतने सारे मेमे हो रहे थे ना, पता है बकरा ईद है तो इस साइड ना बहुत मिलते हैं बकरे, बहुत ज़्यादा। आगे चलते चलते और बढ़ गए थे मोजपुर जाफराबाद साइड में, बहुत असलमपुर के बीच में ये पड़ता है मोजपुर, और यही हमारी नानी का घर है, ये आप लोगों को भी पता है गाइस। तो इतने सारे बकरे थे ना, वाह, ये सब देख के ना एकदम अलग वाली ही वाइब आती, एकदम मस्त लगता है, दिल खुश हो जाता है देख देख के। मैं वीडियो शूट कर रही हूँ बट बाहर से लोग मुझे देख रहे हैं कि ये क्या कलाकारी कर रही है। एक ऑटो के अंदर बैठी थी, वो भी सोच रही है पता नहीं क्या कर रही है, वो तो खुद अपने एक अलग ही दुनिया में खोई हुई थी। मैं उसको देख देख के पता नहीं क्यों इतना हंस रही थी। मार्केट में हमने एंट्री ले रही थी, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आपको कहाँ से आना चाहिए, आप लोग डायरेक्ट ऑटो वाले को बोलना, वो आपको डायरेक्ट मार्केट में छोड़ेंगे। मार्केट में आने के इतने रास्ते हैं कि आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगी, डायरेक्ट आप मार्केट में ही एंट्री लोगे और एक रास्ता ही यहाँ का, और हमेशा हम लोग यहीं से ही आते हैं। बाहर की साइड 100 रुपीज में ऑक्सीडाइज ज्वेलरी मिल रही थी, ये भैया दे रहे हैं यहाँ पे, ये सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये का ये गाइस, और कितना अच्छा लग रहा है ना। सबके रेट अलग अलग है बट ये 50 का एक हाथ का बैंगल। थोड़ा सा मार्केट के अंदर जाती है, बहुत अच्छा वॉच का कलेक्शन मिलेगा आपको। मार्केट में अभी घुसती हूँ वरना तो यार सब कुछ दिखता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा, ऐसा लग रहा है मार्केट में कोई है ही नहीं, बहुत भीड़ भी नहीं है और कुछ दिख भी नहीं रहा है। हम बिल्कुल करेक्ट टाइम पे आए, ईद का टाइम है और ये वेडिंग सीज़न भी होता है, बट मुझे यहाँ पर बताने की कुछ भी नहीं दिख रहा है, बट फिर भी हम आगे चलते हैं देखते हैं, मेरा दिल फट जाएगा अगर मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो। मार्केट में आई हूँ, कुछ दिख नहीं रहा तो मैंने यहाँ स्वीट कॉर्न चाट ले ली है, ये आपको पता है मेरा लवर है इसकी। यार थोड़ा आगे जाते हैं ना, मेरी नज़र गई यहाँ पे रिंग्स पे, जो इतनी प्यारी प्यारी लग रही थी ना, देखते ही मेरा दिल कर रहा था लेने का। अम्मी भी बोल रही थी लेने के लिए बट मैंने ली नहीं। अम्मी देख लो वाली अपने लिए। अंकल कितने की है ये? 50। अच्छा, और ये साड़ी? कोई भी लो 30 रुपये। अच्छा, साड़ी 30 की है। अम्मी ये देखो ना अपने लिए, मतलब ये देखो ना इसमें कि ये रिंग सारी 20 रुपीज़ की थी, एंड ये जो इयर रिंग्स है सारे 50 रुपीज़ के थे। इसके नीचे पायल वगैरह भी थी, वो भी 50 रुपीज़ में मिल रही थी, काफ़ी सस्ते में मिल रहा था सब कुछ। मुझे ये बालियाँ बहुत पसंद आई तो मैंने अम्मी जी के लिए 50 रुपीज़ में ले ली। इयर रिंग्स वाले भैया के जस्ट बराबर में ही आपको ना यहाँ पे ड्रेस वाले भैया की एक स्टॉल मिल जाएगा, पूरा यहाँ पे टॉप और ड्रेसेस मिल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ में, जो इतना अच्छा था। एक ड्रेस मुझे इसमें इतनी पसंद आई, वो सेलिब्रिटी भी पहनती है, जो ये ड्रेस है जो अम्मी जी ने मुझे नहीं दिलाई, 500 रुपये में थी, अम्मी ने मना कर दिया मुझे दिलाने से। थोड़ा सा आगे जाके आपको एक गोल्डन में बैंगल्स मिल जाएंगे जो आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज में, काफी अच्छा कलेक्शन था। सिलमपुर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं हम इतने आराम से चल रहे, लोग धक्का दे दे के हमें चला देते, बट इस बार मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। पुलिस स्टेशन के सामने ही यहाँ पे एक भैया बैठते जो इतना प्यारा कलेक्शन लेके बैठे थे, वो भी 100 रुपीज में इयररिंग्स मिल रहे थे। अम्मी जी कह रही थी मुझसे बट मैंने लिया नहीं सिर्फ किसी वजह से। थोड़ा सा आगे चलते ही अम्मी जी के यहाँ मुझे प्लाजो लेना था जो मिल ही नहीं रहा था। थोड़ा सा और आगे जाके यहाँ पे न्यू कलेक्शन आया था इस बार ईद पे, तो काफी अच्छी ड्रेस मुझे लगी, बट गाइस इसके प्राइस सुनोगे आप हिल जाओगे, 2000 से सिर्फ स्टार्टिंग थी इस पिंक वाली ड्रेस की, तो यार मैंने ली नहीं, मैंने छोड़ दी कि कहाँ तक मैं कम करवाऊंगी। थोड़ा सा और आगे जाके ये सारी एक ही लाइन में आती है, यहाँ पे भी इसी प्राइस में 800-900 रुपये में मिल रही थी, और ये ड्रेस भी गाइस यहाँ पे 850 रुपये की थी जो काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे जो कॉटन में ना सिंपल एकदम प्लेन प्लाजो ड्रेस ही काफ़ी अच्छी लग रही थी, और थोड़ा ही आगे जाके सब पे सेम कलेक्शन आ चुका था जो काफ़ी प्यारा लग रहा था, यूनिक था, बट यार इस बार ना काफ़ी ही ज़्यादा रेट है, मे बी जो इतना महंगाई बढ़
चुके उसकी वजह से। और ये ड्रेस जो इतनी प्यारी लगी ना मुझे, ये 950 की बोल रहे थे तो मेरा दिल था लेने का, अम्मी ने भी बोला, फिर मैं कहाँ तक कम करवा दी, सिर्फ इसी वजह से मैंने छोड़ा कि यार ये तो हम घर पर सिंपल भी बना सकते हैं ना। अब मैं आपको यहाँ पर पूरा फुल दिखा रही हूँ कि आप आराम से देख लो। अगर आपकी साइड भी ये मिल रहा है तो मुझे कॉमेंट में बताना कि कितने का मिल रहा है। यहाँ पर पिंक एंड वाइट कलर में भी ड्रेस थी, ये सिर्फ 1100 रुपये की थी, और यहाँ पर 1250 रुपये में मिल रहे थे लैवेंडर कलर में। मैंने पूछा भैया, बोलते छूटते ही 1200 रुपये मैडम, तो मैंने कहा छोड़ो भैया मुझे लेना ही नहीं, इतना महंगा आप बता रहे हो। और यहाँ पे हमने दो मग लिए, ये सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज़ में मिल रहे थे, तो काफ़ी अच्छा था, कोई डैमेज भी नहीं था, तो अम्मी जी ने ले लिया। यहाँ पे फिर मैंने गोलगप्पे खाया, थक गया था मैं चलते चलते, तो अम्मी जी आपको बताया जब भी मैं कहीं जाती हूँ अम्मी मुझे गोलगप्पे ज़रूर खिलाती है, तो वही वो अम्मी जी मुझे गोलगप्पे खिलाए, माँ है हर बार खिलाती है, आपने मेरे ज़्यादातर बाहर के ब्लॉग में देखा ही है, काफ़ी अच्छा लग रहा था, टेस्टी टेस्टी अम्मी अम्मी। मैं सोच रही थी कि क्या लूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर हम अंदर गए तो यहाँ पे बहुत सारा कलेक्शन था न्यू जूती वगैरह का। गाइज मुझे यहाँ पे आपको कोई गली बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे आप इधर जाओ उधर जाओ, आप जब मार्केट में एंट्री लोगे ना आप खुद ब खुद सब गलियों में घूम जाओगे, आपको सारी गलियाँ खुद नज़र आ जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने कोई प्राइस नहीं पूछा, तो सारा सस्ता वस्ता ही मिलता है, ज़्यादा महंगा नहीं मिलता, 200, 300, 400 इतने में सब मिल जाता है। और यहाँ पे मैंने ये सेट लिया जो इसमें मेरे बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई, वो आप मेरी आगे देख लेना। यहाँ पे सारा ये सिर्फ और सिर्फ 100 में मिल रहा था। और यहाँ पे अम्मी जी ने भाभी के लिए ये वाली इयरिंग ली है जो सिर्फ और सिर्फ 150 रुपीज़ में, उन्होंने एक दाम था, पैसे कम नहीं करे। और यहाँ पे मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ कि ये 100 रुपीज़ में सब कुछ टीका सेट वाला मिल रहा था। और यहाँ पे ये छोटे छोटे रबर बैंड मिल रहे थे जो 100 नहीं था, ये 50 रुपीज़ में पूरा पैकेट था। एंड जो होता है ना कर्ल हेयर करवाते उसके पीछे ये लगता है डिज़ाइन, तो ये सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ में था यार, मतलब बहुत सस्ता था और बहुत कुछ बहुत महंगा भी था। ये हल्दी के सेट वगैरह यहाँ पे 200 के मिल रहे थे, ये मेरे कोरियन लुक के लिए ना सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, तो ये हम ले रहे हैं 50 रुपये का, 50 रुपीज़ में। एंड यहाँ पे ना हल्दी वगैरह का भी ना बहुत अच्छा कलेक्शन है, जैसे ब्राइड होती है ना उसके लिए सबसे ये सब ले लो बेस्ट होता है, तो ये तो मैं यहाँ से ले रही हूँ। मुझे ना दिल कर रहा था सब कुछ लेने का, यहाँ पे क्लेचर वगैरह यार इतने प्यारे प्यारे मिले थे जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रहे ना, वो सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ में मिल रहे थे। इतना बड़ा क्लेचर सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये में मिल रहा था जो काफ़ी ट्रेंड में है। और ये जो डिज़ाइन वाले ये भी सारे 50 रुपीज़ में मिल रहे थे। और ये कोरियन वाला जो आपने ये बहुत देखा होगा गाइस, ये कोरियन लोग बहुत यूज़ करते हैं, जो कोरिया से बहुत ज़्यादा रिलेटेड चल रहा है, तो फाइनली हमारे इंडिया में भी आ गया। मे बी आप लोगों ने पहले देख लिया है, ये 50 का है, ये कोरियन ना बहुत यूज़ करता है, जब हम कोरिया जाएंगे तो हम इसे यूज़ करेंगे। उसके ही आगे जाके थोड़ा सा ये वाला क्लेचर मुझे बड़ा ही प्यारा लगा, इनके पास तो और भी बहुत प्यारा कलेक्शन था, इन्हों के लिए हेयर बैंड देख रहे थे बट नहीं मिला यार। फिर उसके बाद यहाँ पे हम गए थोड़ा सा आगे चल के, यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे झुमकी वगैरह मिल रही थी, स्टाइलिश और नॉर्मल भी, ये सारे 100 रुपीज़ में मिल रही थी, 200 की, 100 की, लाइक ऐसा ऐसा समझ जाओ आप लोग। और ये जो लॉन्ग लॉन्ग वाले हैं ना जो मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ में थे, तो यार क्या लग रहा है ना, मस्त एकदम। और उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको इसलिए ये शॉप नहीं दिखाई क्योंकि यहाँ पे सेम कलेक्शन था, इस वजह से यहाँ ज्वेलरी वगैरह की ना इतनी सारी शॉप है बट सब पे ना सेम कलेक्शन है, तो उसकी तो मैंने कोई ज़्यादा वीडियोस नहीं लिए, सब पे एक दिखा दिया वही सबके पास आ रहा है इस वजह से। और यार कपड़े मुझे एक भी समझ नहीं आ रहा, सारे ऐसी है जो समझ आ रहा है भाई, वो तो मैं नॉर्मल अपने ईद के बाद घर पे भी बना सकती हूँ, वो भी सस्ते में, और इसे सस्ते में तो सरोजनी में भी मिल जाता है, यहाँ तो रेट भैया दिमाग से भी ऊपर जा रहे हैं, तो अभी तो हम घूम ही रहे हैं देख ही रहे हैं कुछ और अच्छा मिल जाए। थोड़ा ही आगे चल के मेरी नज़र गई दूसरी शॉप पर, यहाँ पर मैंने हेयर बैंड देखा बट मुझे कोई पसंद नहीं आया, तो अम्मी जी बालियाँ देखने लगी। अभी हम भाभी के लेना ये बालियाँ देख रहे हैं जो एकदम सिंपल प्लेन होती है, भाभी होती है मतलब सिंपल प्लेन बालियाँ होती है ना, इस इयरिंग को देख के ना मेरे मुंह से बस एक ही बात निकली, दिला दो अम्मी। ये 180 का है एंड ये है 350, ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसमें और भी कलर हैं, जैसे देखो वहाँ पे लाइक ग्रीन कलर भी है और भी ज़्यादा डिज़ाइन है इसमें, और भी बहुत कलर है बट ये मुझे कलर बहुत पसंद आया। थक हार के अम्मी जी मैंने पी यहाँ पे सोडा, सिर्फ और सिर्फ ये 15 रुपए का गिलास था, इतना बड़ा, काफ़ी ठीक ठाक था। मैं अपना दिमाग थोड़ा ठंडा करने की कोशिश कर रही थी कि करा चिल कर, कोई नहीं मिल जाएंगे कपड़े, टेंशन ना ले, इतना गुस्सा आ रहा था ना, मैंने कहा यार ये पैसे किस सोच के मांग रहे, बट यार हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है यार। इयरिंग्स का कलेक्शन ना क्या कलेक्शन है यार, मेरा दिल आ रहा है, दिल कर रहा है सारी इयरिंग्स की ना शॉप खरीद लो, जिस दिन मेरे को अल्लाह बड़ा यूट्यूबर बना देगा इंशाल्लाह खरीदेंगे। जहाँ मैं सोडा पी रही थी उसी के बराबर में जूती वाले भैया थे जो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए में जूतियाँ दे रहे थे, जो पुलिस स्टेशन है इसी के सामने वो इयरिंग वाले भैया बैठते हैं। फाइनली अम्मी का प्लाजो मिल ही गया जिसके लिए हम इतनी दूर से भगते भगते आए हैं, चलो हो गया काम हमारा। सो
अब ना हम लोग घर जा रहे हैं, जो भी लिया है मैंने वो आपको मैं घर पे दिखाऊंगी, और जल्दी जल्दी से घर पहुँच जाते हैं, पैर में दर्द होने लगा चलते चलते। तो यस घर पे मिलेंगे, मैंने ये भी लिया जामुन खाने के लिए। सो गाइस घर आ चुके हैं, चेंज भी कर लिया है, हालत हो चुकी है ख़राब। सो अब मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं वहाँ से क्या क्या लेके आई हूँ। सो ये है इतना बड़ा थैला लेके गए थे, और इसके अंदर देखो क्या है, सिर्फ इतना सामान है गाइस इतना। तो मैं दिखाती हूँ एक एक करके कि क्या क्या लेके आए हैं। मेरे लिए बंडल आई हो क्या? मैं बाजार गया थोड़ी था। अरे गाइस को उल्लू पका रहे, इन्हें क्या पता है ना, ये तो पागल है, उल्लू पका रहे इनका। गाइस को मत बताना है, उनका उल्लू पका रहा है। ये तो हमारे रखे हुए बुंदे थे ना, गली में अंकल बेचने आए थे, हमने वही ले लिया। इन्हें लग रहा है गाइस को मैं बाजार गया था, उल्लू पका रहे हैं। गाइस हम तो तुम्हारा उल्लू पका रहे हैं। सो अब मैं दिखाती हूँ इनायत चली गई है कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ वहाँ से। इनायत को ये नहीं पता था कि हम लोग गए, उसने बोला था अगर जाओगी तो मैं भी जाऊँगी, और उसे हम लेके जा नहीं सकते थे। आपको पता है वो कितना ज़्यादा परेशान करती है, वो भी थकती है, हम भी, और कुछ ले भी नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर ये एक प्लाजो लिया है अम्मी जी के लिए, अम्मी का जो ईद का आउटफिट है ना तो उसके लिए बेस्ट है। और ये रहा, अम्मी जी को ना चौड़ा वाला ही प्लाजो चाहिए था तो ये वाला लिया है, यही कलर। और इतना ढूंढने के बाद ना ही हमारी साइड मिल रहा था, फ्राइडे में भी देखा नहीं मिला, तो लास्ट ऑप्शन था कि हम मंगल बाज़ार जाके देखेंगे, बट अल्लाह का शुक्र है कि ये मिल गया। और ये सिर्फ और सिर्फ 150 रुपीज़ में मिला, तो बहुत सस्ता मिल गया। यहाँ पर शायद 200 में मिलता है, और बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी इसकी अच्छी कॉटन में है, और बहुत अच्छी क्वालिटी, तो 150 में अच्छे से मिल गया। तो हमने कुछ कम वम भी नहीं करा और ले लिया। और हमने यहाँ पे दो मग लिए हैं जो सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज़ के हैं, 20 का, हमें 40 के दो मिल गए। एक ये ब्राउन कलर में लिया ये भाभी के लिए, एक ये येल्लो अम्मी जी ने मेरे लिए खुद ले लिया, फिर भी मैं कुछ करती नहीं हूँ, बट दूध वूध पीने के लिए काम आएगा बहुत ज़्यादा। सो ये 20 रुपीज़ में बहुत अच्छे क्वालिटी भी है, बहुत अच्छी, 20 रुपये में कहाँ मिलता है, बट 20 रुपये में बहुत अच्छे मिल गया, ना कहीं से टूटा हुआ है, ना कहीं से कुछ कलर वगैरह का कोई मसला है, सब कुछ परफेक्ट है। तो 20 रुपीज़ में अच्छे से मिल गया, जैसे जो अम्मी हमारी कप लवर होती है ना भाई, उनको भेज दो, उनके लिए बेस्ट है। और अब आते हैं अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर चीज़ों पर। सो उसके बाद यहाँ पे मैंने गाइस ये लिया था, रबर बैंड लिए थे, जो मुझे देखते ही ना मेरा इस पर दिल आ गया कि मैं अपना जैसे कोई कोरियन हेयर स्टाइल करूँगी, कोरियन लुक करूँगी, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये में, 50 रुपीज़ में मिला है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड इसके अंदर ना देखो दो दो ऑरेंज भी बने हुए हैं, और इसके अंदर एक लेमन है, और एक इसके अंदर स्ट्रॉबेरी है। इसके अंदर ऐसे अच्छा डिज़ाइन देखा है, फुल कोरियन वाला है। वहाँ पे कोरियन क्लेचर भी मिल रहे थे, बट मैंने लिया नहीं कि कोई फ़ायदा नहीं है लेके, बट ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो ये मैं इन्नू को भी दूंगी, दो आए हैं 50 में, तो एक इन्नू को भी दूंगी, खुद भी लगाऊंगी। इन्नू को जब लगाना लगा लूँगी, तो उसके छोटे वाले, और मैं लगाऊंगी। अभी देखना एक मस्त सा लुक करने वाली हूँ ना मैं उस पर, तो आप देखना आप भी फ़ैन हो जाओगे देख के। और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसका देख के ना, मतलब ऐसी चीज़ें देख के ना मेरा अट्रैक्शन होता है, मैं खुद में खुद उसकी तरफ भागती हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, 50 रुपये में बहुत अच्छा मिल गया। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे लिया था गाइस भाभी के लिए, हमने मीनू भाभी के लिए लिया था इयररिंग्स। सो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, ये अम्मी जी की फेवरेट है, जो अम्मी की पसंद के लिए थे, अम्मी जी को देख के पसंद आ गया, अम्मी कह रही यार ये मीनू के लिए लेते हैं, तो भाभी के लिए अम्मी ने लिए थे, जो यार ये बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। आप ये देख सकते हो यहाँ पे इसका डायमंड डायमंड सा लगा हुआ है, ये पूरा वाइट कलर कितना अच्छा लग रहा है ना, नग वगैरह लगे तो बहुत प्यारा लगा। ये मे बी 150 रुपीज़ में है, या फिर 100 रुपीज़ में है। ये यहाँ पे मैं आपको डाल दूँगी कितने रुपीज़ में स्क्रीन पे, मुझे पता नहीं। और अभी अम्मी जी भी कहीं गए हुए हैं कि यार ये बहुत अच्छा है, भाभी को भी बहुत पसंद आया, मुझे भी बहुत पसंद आया, जब मुझे कभी पहनना होगा मैं भाभी से ले लूँगी। और उसके बाद यहाँ पर मैंने लिए थे अम्मी जी के लिए ये बाली ली है, और ये सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये की है, जो बहुत अच्छी लगी थी। स्टार्टिंग में ही मैंने लिया था, आपने ब्लॉग में देखा होगा, बट अम्मी जी ले नहीं रही थी, तो मैंने कहा चलो सब जगह घूमते घामते अम्मी जी को फिर मैंने ये दिलाई दी कि मैंने अम्मी जी एक तो ले लूँ, ले तो लो कम से कम। और इसी फर्स्ट 50 रुपये में मिले, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, इस टाइप की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद। इसका जिसका भारी भारी सा चेहरा होता है ना, वो पहने ना बड़ी बड़ी सी, तो और भी ज़्यादा प्यारी लगती है, तो ये मुझे बहुत पसंद आई। तो अम्मी जी के लिए 50 रुपये में ये ले ली थी, और अम्मी जी भी खुश हो गई, बस अल्लाह पाक इस काबिल बनाए। अभी तो अम्मी जी के पैसे गए अम्मी के पैसों से ही अम्मी को दिलाई है, बट इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा और आप सबका प्यार रहा, तो फिर अगली बार हम खुद के पैसों से अम्मी को दिलवाएंगे इंशाल्लाह। अभी अम्मी जी मेरे को हमारे जो पैसे हैं वो खर्च करने नहीं देती हैं, अम्मी जी कहती संभाल के रखो तुम्हारे काम के हैं,
और तुम्हें ही अभी अपना अच्छा अच्छा काम करके अपनी जानों को देना है, तभी सब कुछ होगा। लो जी मुबारक हो, ये अभी मुझसे कांड होना था, बहुत बहुत अच्छा। देखना मुझसे ये इयरिंग निकल गया, इयरिंग नहीं सॉरी ये टीका सेट है जो मुझसे निकल चुका है, इसको ठीक करना पड़ेगा पहले। चलो जी ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने कुछ इयरिंग्स एंड टीका सेट लिया है, ये देख सकते हो, ये है हमारा ब्यूटीफुल सा टीका एंड ये रहे हमारे ब्यूटीफुल से इयरिंग्स गाइस, जो बहुत प्यारा लग रहा है। इसका मुझे ये मुझे लेने नहीं थे ना ही मैं इसको लेने वाली थी, बट पता है ये क्यों लिया। आपकी एक बहुत 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 मस्त सा एक लुक लेके आने वाली है, वो मेरे ऊपर एक बहुत अच्छा मेकअप लुक करने वाली है, तो उसके लिए ही हमने एक ग्रीन कलर का लिया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था, हमें नहीं मिल रहा था तो हम कुछ एक जुगाड़ करने वाले थे, बट फाइनली आज मैं गई तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि ये मुझे मिल गया। बट यार मैंने जल्दबाजी में ना वहाँ एक बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी, जो मुझे देखनी चाहिए थी वो मैंने नहीं देखी, और इतनी मतलब कैसे मैंने कर दी कि देखो इसका जो एक डायमंड होता है ना, जैसे यहाँ पे ये लगे हुए ना, ये यहाँ पे नहीं लगा हुआ, और मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने वहीं से ऐसे ही ले ले रहा, ठीक है। एंड जो दूसरा इस पे जो इयरिंग है ना, इयरिंग में भी ऐसे हुआ कि यहाँ पे नहीं लगा हुआ था, और ये भी मैंने ले लिया। मे बी भैया को अब ये नहीं पता था, या फिर उन्हें पता था तो उन्होंने मुझे ऐसे ही दे दिया, या फिर उन्हें भी नहीं पता था, ये तो अल्लाह बेहतर जाने। सिर्फ और सिर्फ एक ये सही है, इसका भी निकला हुआ है और हमारे टीके का भी निकला हुआ है, तो यार इसमें मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहती, कोई बात नहीं। अगर अब मैं दोबारा गई तो मैं इसे वापस कर दूंगी और दूसरा ले लूंगी, यही अगर नहीं हुआ तो फिर मैं यहीं कहीं पे देखूंगी कि अगर ये कोई होते ना ऐसे सितारों मोती वाले दुकान पे मिल जाता, अगर वहाँ मिल जाए तो अच्छी बात है, बट कोई नहीं अभी के लिए ठीक है। एंड उसके बाद भी तो यार कुछ लिया था ना मैंने दिखा दिया कि और सब कुछ। हाँ, अरे एक चीज़ भी तो रह गई ना, नहीं यार काम लिया। यहाँ पे अम्मी जी ने एक चीज़ और ली थी भाभी के लिए ही, अम्मी जी ने ये भाभी के लिए कुंदन लिए थे जिसके अंदर कुछ नहीं लटका हुआ होता ना, बिल्कुल गोल सिंपल कुंदन, ये लिए थे अम्मी जी ने भाभी के लिए। ये जो सिर्फ शायद 60 या 70 का मिला है, तो ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल और प्यारे लगते हैं, जिससे बड़े बड़े फेस होता है ना उस पर बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद जो मेन चीज़ है गाइज, मेन वो ये रही, वो है ही नहीं जो मैं लेने गई थी, कपड़े मिल जाए मुझे ईद के लिए, भाई कुछ कपड़े नहीं मिले ईद के लिए, और कुछ भी मतलब था जो मुझे पसंद आया भाई, उसके इतना गंदे वाले रेट बता रहे, इतने ऊँचे रेट बता रहे कि मेरे तो सुनते ही, मैंने कहा भाई रहने दो माफ़ करो मुझे लेना ही नहीं है। बहुत देखा मैंने, बहुत जगह चक्कर लगाए, प्राइस पूछा कि कितने का है कितने का नहीं है, भाई सुनते ही मैं कहाँ तक कम कर रहा, नॉर्मल कॉटन का वहाँ पे सेट मिल रहा था, और वो भी कह रहे 950 रुपये का, 900 रुपये का, भाई मैं कह रहा हूँ तुम क्या चाह के आ रहे हो, मतलब ये तो मैं नॉर्मल घर पे भी बनवा दूँ, तुम तो 900 रुपये ऐसे ले रहे हो, 950 की भाई कुछ है ही, कुछ होता ही नहीं है ऐसे कर रहे हो, मतलब मुझे कुछ पसंद नहीं आया। सब कुछ मैंने वहाँ न्यू कलेक्शन देखा, बट वो न्यू कलेक्शन में भी ना इतने पैसे मांग रहे थे, मैंने कहा रहने दो भाई मुझे कहाँ तक मैं कम करवाऊँ, कम करो तो कम भी नहीं करते, तो मैंने कहा रहने दो अभी टाइम है, फिर दोबारा जाके दोबारा देखेंगे। तो मैंने अभी ईद की कोई शॉपिंग नहीं करी, मुझे कुछ नहीं मिला है, और अभी हमारे घर में भी किसी ने ईद की शॉपिंग करी नहीं है। सो चलो यस गाइस, इस वीडियो को यहीं एंड करियो, आई होप आप सबको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को अभी प्रेस कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएगा, जरूर चेक करेगा। इंशाल्लाह मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग में। सो बाय गाइस, लव यू ऑल, लव यू, बाय बाय जानो।